मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शैला राशिद। शैला जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, कश्मीर से धारा 370 हट गई है, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, एक प्रोटेस्ट तो फेवर में है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि इसके विरोध में है। फेवर वालों के जो प्रोटेस्ट के बैनर्स हैं उन पे लिखा है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये मेरा सवाल है, क्या है ये? देखिए, बात ये है कि हुकूमत ने ये डिसीजन किस तरह से लिया, उन्होंने क्या कार्रवाई की। पहले उन्होंने 50,000 फौजियों को बुलाया, वहाँ के सभी लीडरों को बंद कर दिया, लोगों के इंटरनेट कम्युनिकेशन चैनल, केबल टीवी सब बंद कर दिया गया। यानी कि हुकूमत को खुद एतमाद नहीं है अपने डिसीजन पे, जो गवर्नमेंट है वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है कि द गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग। अगर उनको इस तरह से चोरी छुपे रात के अंधेरे में ये फैसले लेने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को पता है कि यार ये गलत डिसीजन है। और यही बात एग्जैक्टली हम भी कह रहे हैं कि हम इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, हम इस फैसले के खिलाफ एक सियासी मुहिम भी खड़ी करेंगे, क्योंकि ये फैसला एकदम गलत है। जब सरकार को खुद इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो सरकार के सपोर्टर्स जो हैं वो कैसे इस पे कॉन्फिडेंस बरता सकते हैं? कहा जा रहा है कि हालात सुधरने के आसार हैं। हालात सुधरने का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, जब डीमोनेटाइजेशन के दौरान लोग मरे ये इन्होंने तब भी कहा हालात अच्छे हैं, जब लिंचिंग में लोग मरते हैं ये तब भी कहते हैं हालात ठीक है, कहीं दंगा होता है तब भी कहते हैं हालात ठीक है। तो इनके हिसाब से ये जो ये ऑल इज़ वेल वाला अप्रोच है ये तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, लेकिन खुद ही गवर्नमेंट ने सारा पूरे कश्मीर को लॉकडाउन में रख रखा है, तो मतलब कि ऑल इज़ नॉट वेल, यानी सब ठीक नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इससे और ज़्यादा कश्मीर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अच्छा, कश्मीरी आवाम की बात अगर हम करें शैला जी, तो उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है धारा 370 हटने का, और जब तक लागू थी तब तक क्या था? मुझे लगता है देखिए, कश्मीरियों पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसका ज़्यादा असर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर ड्यू प्रोसेस को, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इस तरह से वायलेट किया जा सकता है, कश्मीर तो एक बहुत छोटी सी जगह है, बाकी जो 1.5 करोड़ जो बाकी जो 1 अरब आबादी है उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनके साथ क्या हो सकता है। अगर इतना गैर कानूनी फैसला हुकूमत ऐसे ले सकती है तो कश्मीर तो एक एक्सपेरिमेंट है, वो तो लेबॉरेटरी है, वहाँ पे जो चीज़ें दशकों से की जा रही हैं फिर उसके बाद वो बाकी हिंदुस्तान में की जाती है। यानी कि पहले आपने देखा कश्मीर में रिगिंग होती थी इलेक्शंस की, अब आप देखते हैं यहाँ EVM पे सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कश्मीर के लिए इसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हिंदुस्तान के लिए है कि एक तो हिंदुस्तान की जो छवि है, उसकी जो इमेज है पूरी दुनिया में कैसी बनेगी ये सब करते हुए, और कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना, हिंदुस्तान की जो छवि है वो भी तो एक चीज़ है ना इंटरनेशनल, उसमें वो कैसी बनती है ऐसे डिसीजंस की वजह से, ऐसे डिसीजंस की वजह से तो छवि खराब होती है। तो क्या अब क्या होने वाला है ऐसे डिसीजन के बाद, अब क्या होने वाला है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इस पर सियासी मुहिम चलेगी और गवर्नमेंट डिफेंड करे अपने डिसीजन को। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये शैला राशिद थी जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बारी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर अब लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये जो धारा 370 हटी है उसके ये पूरी तरह से खिलाफ नज़र आ रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।